एहसान अहमद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक और खबर शामिल करते हैं, लाहौर हाई कोर्ट में नाबीना अफराद को कोटे के मुताबिक मुलाजमतें ना देने की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने पंजाब हुकूमत के जिम्मेदार ऑफिसर को रिपोर्ट समेत जाती हैसियत में तलब कर लिया है। इस हवाले से एहसान क्या तफसीलात शेयर करेंगे, समाअत का हवाला बताएगा, अदालत की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए? बिल्कुल, लाहौर में पिछले कई दिनों से नाबीना अफराद का एहतजाज जारी है और इस हवाले से लाहौर हाईकोर्ट में भी एक दरख्वास्त पर समाअत हुई है और अदालत ने हुकूमत पंजाब के मुतलका अफसरान को जाती हैसियत में अदालत में तलब कर ली है और केस की समाअत जो है वो 10 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस रिसाल हसन सईद ने इस केस पर समाअत की है और इसमें ये मौके इख्तियार किया गया है कि नाबीना अफराद 2 हफ्तों से लाहौर के माल रोड पर एहतजाज कर रहे हैं। अदालती अहकाम के बावजूद नाबीना अफराद को कोटे के मुताबिक मुलाजमतें नहीं दी जा रही, हुकूमत जो है वो इनसे मुज़ाकरात करती है मगर मुज़ाकरात के नाम पर इनको धोखा दिया जाता है और इस बिना पर जो है जो रोड है माल रोड वो भी बंद है और लोगों को भी काफी परेशानी का सामना है। तो अदालत ने इस पर जो पंजाब हुकूमत के जिम्मेदार अफसरान हैं उनको तलब करते हुए समाअत 10 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। जी, समाअत 10 अक्टूबर तक मुलतवी की गई है। एहसान अहमद हमें अपडेट कर रहे थे।